काफी सालों की मन की इच्छा और बचपन का सपना साकार होने का समय आ गया था। चंडीगढ़ से मुंबई की पहली हवाई यात्रा का अनुभव, जिसे चार दोस्तों ने मिलकर के उस अनुभव को जीने का निर्णय लिया था, वे न केवल एक यात्रा थी बल्कि उनके जीवन की सपनों की उड़ान थी दोस्तों। तो इस वक्त मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट कैब लेकर के किसी भी वक्त पहुंचने वाला हूं। आगे मिलते हैं आपको। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं एक नई यात्रा करने वाला हूं, लेकिन जो ये मेरी यात्रा है काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि इस बार का जो मेरा सफ़र है वो ट्रेन से नहीं है। ट्रेन को तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं, लेकिन इस बार का सफ़र ट्रेन से नहीं है। आपने कई बार अपनी ज़िंदगी में, जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपने एरोप्लेन का नाम सुना होगा, आपके मन में काफ़ी चीज़ें होती होंगी कभी हम एरोप्लेन में जाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक पल होने वाला है, क्योंकि मैं पहली बार एरोप्लेन में जाने वाला हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी फ़्लाइट है, मैं पहले आपको लोकेशन बता देता हूँ कहाँ जाने वाला हूँ। तो इस बार का सफ़र मेरा होने वाला है चंडीगढ़ से मुंबई का। तो चंडीगढ़ से जो मेरी फ़्लाइट है वह 5:30 बजे है, और मुंबई करीब करीब 8:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, 8:40 तक है टाइम। तो इस वक्त मैं चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट है वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले आपको मैं एयरपोर्ट दिखाना चाहूँगा। देखिए एयरपोर्ट का फ्रंट व्यू है, कितना शानदार है, देख सकते हैं। अभी करीब करीब 1 बज गए हैं, कुछ पहले ही हम पहुंच गए हैं, और कुछ हमारे मित्र हैं, टोटल हम 4 लोग हैं। तो एक तो मेरे कैमरामैन ही हैं सुमन जी, और 2 लोग करीब करीब 4 बजे के करीब आने वाले हैं। तो मिलते हैं, आगे चलेंगे आगे। एक समय ऐसा भी था कि जब हम छत से एरोप्लेन को देख करके काफ़ी खुश हो जाया करते थे, और दिल में उस समय काफ़ी आनंद आता था। तो इस वक्त जब मैं एयरपोर्ट में पहली बार पहुंचा हूं, तो एयरपोर्ट को भी अच्छी तरह देख लेना चाहता हूं। तो इस वक्त ये देख सकते हैं, ये प्रवेश द्वार है एयरपोर्ट का दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो कुछ समय मैंने यहां पर बिताया, क्योंकि इस वक्त सुमन ही मेरे साथ हैं। करीब करीब मैंने आपको बताया कि हम 1 बजे रात में यहाँ पहुँच चुके हैं, बाकी दोस्त भी बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। तो मैंने चेक इन करा टिकट दिखा करके जो प्रवेश द्वार था उसके बाहर, और हम यहाँ पर आकर के बैठ करके इंतजार करने लग गए। और देख सकते हैं मेरे दोस्त सुमन हैं, और इस वक्त मैं कुछ तस्वीरें भी कैद कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, और यहाँ पर काफ़ी ठंड भी लग रही है, एसी काफ़ी तेज है, तो ठंड भी लग रही है थोड़ा, तो क्या करें। और आज 15 अगस्त का दिन है, हमारा आज़ादी दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, तो किस तरह से एयरपोर्ट को यहाँ पर सजाया हुआ है। तो मैंने निर्णय किया, मैंने और सुमन ने, कि क्यों ना कुछ तस्वीरें ले ली जाए। तो जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पर छोटी मोटी खाने की दुकानें भी थी, जिस पर खाने पीने का सामान बहुत बेहतरीन तरीके से मिल रहा था। और धीरे धीरे समय बीतता गया, और समय का पता भी नहीं लगा। दोस्तों हमें जरा सी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, और अपनी फ्लाइट का जो समय है उससे 2 या 3 घंटे पहले पहुँच जाना चाहिए। तो इस वक्त हम बोर्डिंग पास लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं। जब हम बोर्डिंग पास ले रहे थे, जो हमारे मित्र हैं आलोक और रविंदर जी, वह भी पहुंच चुके हैं। आपको यहां पर आईडी प्रूफ दिखाना होता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, और भी आप कोई आईडी प्रूफ दिखा सकते हो, तो आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। और यहीं पर आपका सामान लगेज 15 किलो तक का जमा हो जाता है, और एक बैग अपने साथ आप ले जा सकते हैं। तो इस वक्त आलोक हमारे दोस्त हैं जो, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को एयरपोर्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, तो वहाँ पर कुछ तस्वीरें ली, और जो एक बैग अपने साथ हम ले जा सकते हैं उसको भी हमने चेक कराया। और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अगर एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पर आप खरीदारी भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एयरपोर्ट बनाया गया है दोस्तों। जब हम हवाई अड्डे पर पहुँचे थे तो हमारी जो उत्सुकता थी काफ़ी बढ़ गई थी, और जब हम आगे काउंटर पर गए और हमने अपना सिक्योरिटी प्रोसीजर से गुजरते हुए जब हमें बोर्डिंग पास मिला, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई दोस्तों। इन खुशियों को लेते लेते अब हम आगे जो अगला प्रोसीजर है हमारा, वहाँ के लिए पहुँच गए हैं, और अब हम यहाँ पर बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं। जब अनाउंसमेंट होगी तब हम जो हमारा प्लेन है वहाँ उसके अंदर जाएंगे दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस वक्त, और रविंदर जी भी काफ़ी खुश हैं। तो इस वक्त अनाउंसमेंट हो चुकी है, और अब हम बोर्डिंग पास लेकर के अपने प्लेन के अंदर एंटर होने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। पहले तो मैंने सोचा था कि जैसे सीढ़ियां वगैरह, जैसे हमने टीवी वगैरह में देखा था कि सीढ़ियां चढ़ करके आप
एरोप्लेन में एंटर होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, एक अलग ही अनुभव था दोस्तों। तो प्लेन के भीतर कदम रखते ही एक नई दुनिया का अनुभव दोस्तों हुआ मुझे, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देख सकते हैं इस वक्त मैं एंटर हो चुका हूँ, काफ़ी बढ़िया मेरे को लग रहा है, क्योंकि ज़िंदगी में जो पहला एक्सपीरियंस होता है वह काफ़ी बढ़िया होता है। तो दोस्तों हमारी टोटल चार लोग हैं, तो चार सीट्स हैं, दो विंडो हैं और दो साइड वाली हैं, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। काफ़ी यहाँ पर ठंडा है, एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस, और सुमन बाहर देखते हुए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देख सकते हैं लोग के चेहरे की खुशी कितनी ज़्यादा है दोस्तों। यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं लोग। ये हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है फ्लाइट के अंदर, और मेरे साथ हैं मिस्टर रविंदर जी, से हाय रविंदर, एंड मेरे साथ हैं मिस्टर प्रभात सिंह और मिस्टर सुमन। हेलो गद्दू। हेलो। सो गाइस, हम तीनों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, रविंदर जी पहले जा चुके हैं, अब देखते हैं कैसा लगता है हमारे को, आपको हम दिखाएंगे साथ में। दोस्तों अगर मैं अपनी फ्लाइट की बात करूं तो मेरी फ्लाइट इंडिगो की है, जो कि चंडीगढ़ के शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 5:35 पर सुबह के चलेगी और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंच जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है दोस्तों, करीब करीब 2.5 घंटे के अंदर ही हम चंडीगढ़ से मुंबई पहुंच जाएंगे, बहुत ही बेहतरीन ये अनुभव होने वाला है। तो दोस्तों इस वक्त जो मेरी यात्रा है चंडीगढ़ से मुंबई की, वह स्टार्ट हो चुकी है, और देख सकते हैं जो यहाँ से सिटी दिख रही है चंडीगढ़ ये है, और कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं दोस्तों। तो जल्द ही देख सकते हैं हमने आसमान में, जो मेरा एक सपना सा था कि आसमान में क्लाउड्स देखने थे, आसमान देखना था, वह भी दिख रहा है। तो मैं आपको रास्ते में जो सुंदर सुंदर दृश्य आने वाले हैं उसको दिखाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। देख सकते हैं ये फूले हुए बादल और इनकी सुंदरता कितनी बढ़िया लग रही है, इतनी ऊंचाई से जो यहाँ पर इतना सुंदर दृश्य है आसमान का, कभी सूरज भी हमें देखने को मिल रहा है और बादल भी अलग अलग प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले किस प्रकार के बादल थे और अब किस प्रकार के बादल दिख रहे हैं, बार बार दृश्य बदल रहे हैं, और इतनी खुशी हो रही है ना इन दृश्यों को देख करके। दोस्तों इस यात्रा ने हमको यह सिखा दिया है कि कभी कभी जीवन की छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बड़ी खुशियों का कारण बन सकती हैं, और अपने दोस्तों के साथ बिताए गए समय हर पल हमेशा यादगार बने रहेंगे। और देख सकते हैं ये चीज़ें मैं बोल ही रहा था कि एक नया दृश्य आ गया, देखिए इन चीज़ों को कभी हम फोटो में, तस्वीरों में या वीडियोज़ में देखते थे, जब इनको हम अपने एरोप्लेन में बैठ करके अपनी आँखों के सामने देख रहे थे इतनी ऊँचाई पर, तो एक अलग प्रकार की खुशी हो रही थी दोस्तों। बार बार हमने जो इतने सुंदर सुंदर दृश्यों जो बार बार बदल रहे थे, तो एक अलग प्रकार की खुशी हो रही थी कि वही चीज़ें एक अलग अंदाज में बार बार देखने को मिल रही हैं। मैं हर एक तस्वीर को कैद कर लेना चाहता था, एक हर लम्हे को देख लेना चाहता था। तो बादल के रंग भी हमें अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं, तो कोई डार्क बादल है तो कोई एकदम फीका बादल है, नीला आसमान भी दिख रहा है। तो एक किशोर कुमार जी का गाया हुआ गाना नीले नीले अंबर पर गुनगुनाने का मन भी कर रहा है, तो क्योंकि जो हमारे ओल्ड सॉन्ग्स थे, पुराने गाने थे, वह बैठे बैठे नेचर को देखते हुए, उनकी गतिविधियों को देखते हुए लेखक लिख देते थे, और जो गायक थे वह इस प्रकार से गाते थे कि जो आम जनता थी वह उससे जुड़ जाती थी। जैसे कि जो नीले नीले अंबर गाना है, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, तो उस गाने से मैं कितना बढ़िया तरीके से जुड़ गया और उसको अनुभव कर पा रहा हूँ इस दृश्य को देखते हुए। तो बादल ख़त्म हो चुके हैं और जो छोटे छोटे घर हैं, यहाँ से तो छोटे दिख रहे हैं तो बड़े वह भी दिखना स्टार्ट हो गया, शायद ये कोई सिटी है, और नदियाँ भी दिखने लग गई हैं, तो ये शायद धुआं है कि बादल है, देख सकते हैं कोई फैक्ट्री वगैरह होगी। तो हम नदी को ट्रेन से ब्रिज द्वारा पार करते थे, आज हम आसमान में इस रिवर को पार कर रहे हैं, नाम तो नहीं पता इस रिवर का, लेकिन बहुत खुशी हो रही है। तो करीब करीब आप देख सकते हैं एकदम टाइम पर 8 बजे हम लैंड हो रहे हैं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर, काफी खुशी हो रही है, काफी स्पीड में है इस समय प्लेन, धीरे धीरे स्लो हो रहा है।
ये जो मेरी यात्रा थी 2 घंटे 25 मिनट की, दोस्तों बहुत ही बेहतरीन थी। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा इस मोमेंट पर, दोस्तों अगर आपको जीवन में ऐसे अनुभव लेने का मौका मिल रहा है तो उसको बिल्कुल भी ना छोड़िए, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि जब फ्लाइट धीरे धीरे चंडीगढ़ से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे जब उसने उड़ान भरना स्टार्ट करा, धीमे गति पे थी, तो एकदम से जब तेज हुई तो एक अलग प्रकार का एडवेंचर हुआ, खुशी हुई। और फिर जब मुंबई में लैंड हुई और बहुत ही बढ़िया अनुभव था। तो अब हम जो मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उसको भी हम देखेंगे। तो एकदम टाइम पर हम यहाँ पर लैंड हो चुके हैं। तो जो आलोक हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको भी अनुभव कर लेना चाहते हैं। साइड में एक चलने का भी रास्ता था, लेकिन हमने कहा कि हम इसका ही प्रयोग करेंगे। एक बार दोबारा से हम अपने एरोप्लेन को देख लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जीवन का पहला अनुभव है, और जो पहला सफ़र होता है ना जीवन का, वो यादगार होता है। तो इस वक्त हम जो हमारा लगेज वगैरह है यहीं पर मिलेगा, तो देख सकते हैं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहीं से आपको लगेज आपका मिल जाएगा। तो हमने लगेज वगैरह अपना लिया और कुछ तस्वीरें आलोक खिंचवाना यहाँ भी चाह रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों का लुत्फ उठाते हुए, फोटोग्राफर हैं बहुत बढ़िया। तो मेरा तो भाई बैग आ चुका है, ये लोग अपने बैग का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों, और सुमन मोबाइल में व्यस्त हैं, मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं हमेशा ये, लेकिन ये अपने आप में ही मग्न रहते हैं, अपने आप में ही खुश रहते हैं। तो हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है। तो हम बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, और जो ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है मुंबई का, इसको भी हम देख लेना चाहते हैं। तो गाइज हम फाइनली एयरपोर्ट में आ चुके हैं, और हम सही सलामत है। मोदी जी कैसा लगा फिर आपको एक्सपीरियंस? बढ़िया था, बढ़िया। हेलो, चलो गाइज अब हम एग्जिट पे। दोस्तों हम लोग पुरानी फिल्मों में देखा करते थे कि लोग अपने सपने पूरे करने मुंबई आते थे। 90s की फिल्मों में हमने काफी सीन देखे थे कि लोग अपने सपने पूरे करने, कोई एक्टर बनने, कोई हीरोइन बनने, हीरो बनने, फिल्मों में काम करने, भारत के छोटे मोटे गांव से, दूर दराज के गांव से मुंबई पहुंच जाया करते थे, या फिर कमाने मुंबई पहुंच जाया करते थे अपने सपने पूरे करने के लिए। तो उस शहर में हम लोग पहली बार पहुंचे हैं, वो भी पहली बार अपना एरोप्लेन का एक्सपीरियंस लेते हुए। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सपनों के शहर मुंबई में। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, मेरे खास, और अभी हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत प्लेजेंट वेदर है, देखो जैसा कि आप देख सकते हो, एकदम ऐसा लग रहा है कि भाई पेंट कर दिया हो किसी ने पीछे पूरा स्काई। अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप पे, फिर वहाँ से हम बस पकड़ेंगे विले पार्ले के लिए, फिर वहाँ से हम लोकल पकड़ेंगे। हमने इस बस को लिया था, लेकिन ये बस इतनी तेज थी कि मैं और सुमन चढ़ पाए, और आलोक और उनके मित्र वहीं वापस रह गए, तो हम भी बस से उतर गए। बहुत एडवेंचर था ये, एडवेंचर भरा पल था। तो कुछ देर बाद वो भी जो ये ऑटो था उसको लेकर के आ गए। ऑटो वाले ने हमारा मन चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये नॉर्थ मुंबई है और यहाँ पर अंधेरी में एक बीच है, तो उसको आप देख ही लीजिए, फिर रेलवे स्टेशन जा करके आप साउथ मुंबई पहुंच जाइए। क्योंकि हमने जो अपना होटल बुक करा था वह साउथ मुंबई में था, इस वक्त हम नॉर्थ मुंबई में है अंधेरी में। तो हमने नाश्ता करने का निर्णय किया। तो दोस्तों आपको मिलते हैं अगली वीडियो में अंधेरी के फेमस बीच पर। तो नमस्कार दोस्तों।